जिनके जीवन में दुख होता है ना, वो बेचारे टूट चुके होते हैं। जब आप पर कोई मुसीबत आ जाती है तो ससुराल पक्ष के लोग भी साथ नहीं देते, मायके पक्ष के लोग भी साथ नहीं देते। आप कई बार अपने दुखों में, अपने परेशानियों में अकेले रह जाते हैं। कई बार तो आप पति पत्नी अकेले रह जाते हैं, और कई बार पति भी नहीं होता या स्त्री भी नहीं होती, पुरुष या स्त्री अकेली रह जाती है या अकेला रह जाता है। वो जो कठिन समय है ना, उसमें आपको धैर्यता से काम लेना चाहिए, अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। यदि अच्छा समय गुजरता है ना, तो बुरा समय भी गुजर जाता है, बस आपको धैर्य नहीं खोना है। यदि आप उसने धैर्यता पूर्वक उस कठिन समय को गुजार दिया, तो आपका इंतजार करने के लिए एक अच्छा समय हाथ पसारे खड़ा होता है, एक अच्छा समय आपका स्वागत कर रहा होता है। अच्छे समय तक पहुंचने के लिए कठिन समय से गुजरना पड़ता है सबको, सबको। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। राम जी 14 साल वनवास पूरा करके आए, उसके बाद राम जी राजा बने। राम के राजा बनने के पहले, राम के अच्छे दिन आने के पहले, राम के समय में कठिन समय आया। राम के कठिन दिन आए, और एक दिन नहीं आया, 14 साल आए। और धन्य है प्रत्येक प्राणी को राम से सीखना चाहिए कि जब कठिन समय आपके जीवन में आए तब आपको क्या करना चाहिए। राम के जैसा धैर्य ले आना चाहिए, राम के जैसा संयमी बन जाना चाहिए, राम के जैसे अपने चरित्र को बना लेना चाहिए कठिन दिनों में। ये राम, पता नहीं आप लोग कथाओं को सुनने के हिसाब से सुनते हैं। मैं चाहता हूं आप कथाओं को सुने ना, कथाओं को जिए। राम के चरित्र को सुने ना, केवल सुने ना, सुने, मेरा कहने का तात्पर्य यह है केवल सुने ना, आप राम के चरित्र को जीना स्टार्ट करें। और मुझे पूरा पता है, पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी कई बार राम के जैसा कठिन समय आता है। कुंती बुआ एक स्त्री है और पति मर चुके हैं और 5 बच्चे गोद में हैं और ससुराल ने इस घर से निकाल दिया। पता है आपको, पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, और जब पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु की राजगद्दी पर धृतराष्ट्र ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? धृतराष्ट्र, जो कि पांडु के भाई थे, और कुंती को कुछ नहीं दिया। बेचारी अकेली स्त्री जात, मेहनत करती, भीख तक मांगना पड़ा पांडवों को। ये कठिन समय जो कुंती के जीवन में आया, ये कठिन समय जो राम के जीवन में आया, ये कठिन समय आपके जीवन में जब आए तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए ही वेद पुराणों में ये सारी बातें लिखी हैं कि देखो उनका कठिन समय आया तो क्या किया, जब तुम्हारा कठिन समय आए तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए। मोटिवेट आप कहाँ से होंगे, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। इसलिए ये कथाएं, ये चरित्र सुनने चाहिए, और केवल सुनने नहीं चाहिए, इस ज्ञान पर अमल करना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं केवल कथा सुनता नहीं हूं, कथा सुनाता नहीं हूं, जो कथाएं कहती हैं उस राह पर चलता हूं, उस मार्ग पर चलता हूं।
केवल मैं गाल नहीं बजाता, बोलता ही नहीं हूं।